पर वो महान व्यक्ति कभी अपने धर्म से नहीं हटे। फिर एक महान राजा हुए महाराज भगीरथी, जिनके कारण पावन गंगा नदी का इस धरती पर अवतरण संभव हुआ। फिर महाराज रघु के पिता दिलीप, जिन्होंने अपने वचन की पूर्ति के लिए एक व्याघ्र को अपना भक्षण करने दिया। फिर रघु, महाराज रघु के पुत्र हुए अजा। अजा के पुत्र हैं महाराज दशरथ, जो इस समय कौशल देश के राजा हैं। क्या आज भी रघुकुल ऐसा ही है? क्या आज भी वहाँ ऐसी ही महानता प्रत्यक्ष हो रही है? निसंदेह। महाराज दशरथ के 4 पुत्र हैं, और मैंने सुना है कि उसमें उनका ज्येष्ठ पुत्र अत्यंत प्रतिभाशाली है। सूर्य की भांति उसकी कांति, उसका प्रकाश अभी से प्रसारित हो रहा है। देखते ही देखते कुछ ही वर्षों में वो कौशल देश का राजा भी बन जाएगा। देखा देखा, राजकुमारों को कभी इतना समीप से देखा? हाँ, पहली बार। ये जो वस्त्र इन्होंने पहने हैं ना, हम ही ने तो धोए थे कुछ दिन पहले। राजभवन के सारे वस्त्र हम ही तो धोते हैं मूर्ख। चमक रहे थे। दो एक दिन से मन में प्रश्न था, यदि अगले कुछ वर्षों में आप अश्वमेध की योजना बनाने वाले हैं, तो फिर उसके लिए हमें अभी से बहुत सारे अश्व ढूंढ लेने चाहिए। आप मेरे पिताजी को संदेश भिजवा दीजिए, कहकर के अश्व पूरे संसार में अतुलनीय है। मेरे भाई युद्धजीत सबसे अच्छे अश्व लेकर स्वयं यहाँ आ जाएंगे, और इसी बहाने मेरी भी उनसे भेंट हो जाएगी। बहुत वर्ष हो गए पिताजी और भैया से मिले हुए। आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? हाँ हाँ, अवश्य अवश्य, सत्य कहा। क्या आपको स्मरण है, एक बार आप कहके आए थे, आप अपने अश्व पर थे और मैं अपने अश्व पर, हम दोनों पहाड़ों का भ्रमण कर रहे थे, और अचानक आपने हिम नदी की ओर एकदम से दौड़ लगा दी। दौड़ में आपके अश्व ने बढ़त ले ली, पर वो कहके आया कि अश्व को नहीं पराजित कर सका। आज भी वो क्षण मुझे अच्छे से स्मरण है। अपने से आधी आयु की कन्या से पराजित होकर कौशल नरेश को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, और उसके बाद हम दोनों मार्ग भटक गए थे। हाँ, वो कहीं भटक न गए हों। कौन भटक न गए हों? महारानी कौशल्या और मेरे पुत्र। अब तो लौट आना चाहिए था उन्हें। नहीं, वो भटके नहीं होंगे, उन्हें पता होगा जैसे मुझे पता था, पर मैंने आपको नहीं बताया था। मैं चाहती थी कि उस समय मैं आपके साथ थोड़ा और समय व्यतीत करने को मिल जाए। और वो देखो, देखो हमारे पुत्र आ गए। महारानी कौशल्या राम आ गए। अगर शांता से पुनर्मिलन हो गया तो वो बन जाएगी चंद्रमा, और तुम बस यहां ये तलवार घुमा घुमा कर मनाती रहना अमावस्या। वहां महाराज राम का नाम जप रहे, इतना ध्यान तो वो तुम्हारा भी नहीं रखते। कह कही आज पहली बार महाराज ने मेरी उपेक्षा की है, कहीं मंथरा सत्य तो नहीं कह रही थी?
मेरी प्रतिक्रिया अनावश्यक है। महाराज भी तो शांता के बारे में जानने के लिए उतने ही अधीर होंगे जितना कि कौशल्या दीदी उन्हें बताने के लिए। एक बार सुन लेंगे तो फिर तो शांत हो जाएंगे। 3 दिन से भोजन भी नहीं किया है, संभवतः आज कर लेंगे। क्रोधित नहीं है, बहुत संतुष्ट है, बहुत ही प्रसन्न है। सत्य? हाँ। महाराज कहाँ है? मुझे उनसे मिलना है। हाँ, उनसे मिलिए और उनसे कहिए भोजन कर ले। जब से आप गई हैं कुछ ग्रहण नहीं किया। महाराज भी ना, मैं स्वयं भोजन बनाती हूँ, देखती हूँ कैसे नहीं खाते। मैं भी चलती हूँ ऑफिस। माँ को इतना प्रसन्न देखकर कितना अच्छा लगता है ना भैया। हाँ, पर अपनी प्रसन्नता में वो हमें निर्देश देना ही भूल गई। तो अब क्या करें? पिताजी से मिलकर आशीर्वाद लेना है उनका। राजा सुधनवा ने मिथिला पर आक्रमण किया था। मेरे भ्राता कुशध्वज ने उन्हें पराजित कर बंदी बनाया है। अब हम सबको यह निर्णय लेना है कि इन्हें क्या दंड दिया जाए। मृत्युदंड। शांत हो जाइए। राजा सुधनवा को मृत्यु दंड देने से तो अच्छा होता कि रणभूमि में ही इसे वीर गति प्राप्त हो जाती। कुशध्वज का कथन सर्वथा उचित है। इनको मृत्यु दंड देना मिथिला के विचारों और संस्कारों के विरुद्ध है, परंतु शांति भंग करने के लिए और जनता को कष्ट देने के लिए इन्हें दंड देना ही हमारा धर्म है। मिथिला की प्रथा और विचारधारा का सम्मान करते हुए मैं राजा सुधनवा को हमारे अधीन राज्यों से निर्वासित करने का आदेश देता हूं। महाराजा जनक की पिता का निर्णय तुम्हें अनुचित लगा? अनुचित नहीं, आपके निर्णय से मेरे मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है। पूछो। आपने अपने अधीन राज्य के बारे में कहा, लेकिन कुछ दिन पहले आप ही ने कहा था कि कोई भी मनुष्य पृथ्वी का स्वामी नहीं है, तो फिर मिथिला आपके अधीन कैसे हो सकता है? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस YouTube पेज को।